ये होता है वोट का कमाल। आपके यहां चुनाव 3 तारीख को है, 3 तारीख को फिर से आपने ये कमाल दिखाना है। मैं वोट इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि आप जयप्रकाश निषाद जी पर रहम कीजिए या इन पर ध्यान दीजिए या आशीर्वाद दीजिए। मैं वोट इसलिए मांगने आया हूं कि अपने हकों की रक्षा के लिए उसका माध्यम है तो जयप्रकाश निषाद है, उसको लेकर के आना चाहिए। और इसीलिए दूसरी बात आप बताइए, पहले भी दिवाली आती थी तो अयोध्या में दीपोत्सव क्यों नहीं मनता था? पहले भी कुंभ होता था तो ये भव्य कुंभ, ये दिव्य कुंभ क्यों नहीं होता था? पहले भी कृष्ण की जन्माष्टमी आती थी तो मथुरा क्यों नहीं सजता था? और पहले भी दीप दीपावली आती थी वाराणसी में तो पहले क्यों नहीं सजता था? और पहले भक्त जन काशी में गंगा स्नान करके कलियों से होकर के काशी विश्वनाथ जाते थे और अब मोदी जी के आशीर्वाद से गंगा में डुबकी लगाओ और पवित्रता के साथ सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाओ। ये परिस्थिति ये है अंतर, ये है आपकी उंगली की ताकत, यह है वोट देने का नतीजा, इसको समझो। आप बताइए दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगती थी कि नहीं लगती थी? सरस्वती पूजा के विसर्जन पर रोक लगती थी कि नहीं लगती थी? आज भव्य तरीके से विसर्जन भी होता है और पूजा भी होती है। यह है आपकी उंगली की ताकत और यह है आपके लोगों का अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का तरीका। और फिर आ गया है वो त्योहार 3 तारीख को, भव्य तरीके से इसको मनाना है। मित्रों, हमारी पार्टी गरीबों, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति, हमारी महिला शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान भाई, इनको मुख्य धारा में लाने का काम कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं दम के साथ कह रहा हूं। बताइए, जब कोरोना आया और जब लॉकडाउन लग गया और जब न पोस्ट ऑफिस था, न पोस्टमैन था, न बैंक चलता था, उस समय मोदी जी ने महिलाओं के 20 करोड़ खाते में, जनधन खाते में 500 रुपए पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? ये है मातृशक्ति की ताकत, ये है मातृशक्ति। आप बताइए, हर 3 महीने पर किसान भाइयों के खाते में मोदी जी 2000 रुपए पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे? पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे? अभी तक 10 किश्तों में 180 लाख करोड़ रुपए, 10 करोड़ 50 हजार के 50 लाख किसान के खाते में मोदी जी ने 2000 रुपए पहुंचाया है 10 किश्तों में। और इसी तरीके से आप बताइए, 18,000 गांव बिना बिजली के थे, 18,000 गांव मोदी जी ने 1,000 दिन के अंदर ये सारे गांव को बिजली दी के लिए। बताइए, आप क्या बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? मैं 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आया था तो मेरे साथ रात को घूमने वाले 100 ऊर्जा की लाइट लेकर के चलते थे और हमको पता नहीं चलता था कि कहां नाली है, कहां सड़क है, कहां गिरेंगे, कहां पड़ेंगे। और आज बिजली ही बिजली है। और बोलो, 2400 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? ये मजाक करते थे अखिलेश बाबू बाबू, ये कहते थे कि बिजली लाना कोई आसान काम नहीं है। और मोदी जी ने कहा था 56 इंच का सीना है, बिजली पहुंचा करके दिखाएंगे और पहुंचा करके दिखाएंगे। आप बताइए, 2.5 करोड़ घर थे जिनको बिजली नहीं थी, 2.5 करोड़ घर। प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर 2.5 करोड़ घर को बिजली पहुंचा।
पहुंचाने का काम किया और तार भी सरकार की, खंबा भी सरकार का, स्विच भी सरकार का और वह बिजली देने का काम 2.5 करोड़ घरों को किया, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए ये महिलाएं हमारी लकड़ी का चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? गांव में लकड़ी इकट्ठा करके चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? कंडा इकट्ठा करती, कंडा कंडा बोलते हैं ना, गोठा को कंडा बोलते हैं, कंडा दीवार पर ठोक करके तैयार करके उससे चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? और मोदी जी ने 10 करोड़ बहनों के घर में चूल्हा और गैस का सिलेंडर पहुंचा करके और अब हमारी बहनें लाइटर से टक से जलाती है और 15 मिनट में चाय पिला देती है अपने पति देव को और बोलती है जाओ काम कर जाओ। ठीक कर रहे हो नहीं बहनों? ठीक कर रहे हो भाई? आपका चूल्हा पहुंचा और अब योगी जी ने तय किया है 3 तारीख को जयप्रकाश निषाद को भेजेंगे दिवाली में और होली में एक एक सिलेंडर गैस का मुफ्त पहुंचेगा आपके घर। इसकी ये आयुष्मान भारत, ये आयुष्मान भारत, भारत की जनसंख्या है 130 करोड़ 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने, जो भारत की 40% की आबादी है, उनको स्वास्थ्य में गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए उनको हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। 5 लाख रुपए इलाज से जयप्रकाश जी हैं, इनसे पूछिए जब कोई गरीब आदमी के यहां किसी को कैंसर हो जाता था तो वो आदमी आकर के इनके यहां दरखास्त लगाता था और कहता था कि मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से हमको राहत दिलाओ। इन्होंने बताया कि 300 लोगों को इन्होंने राहत दिलाई है। ये मुख्यमंत्री के पास जाते थे, ये प्रधानमंत्री के पास जाते थे और गरीब आदमी का जो इन तक न पहुंचे या तो उसका खेत बिक जाता था या उसका मकान बिक जाता था इलाज कराते थे। आज मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को, परिवारों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उनको, उनके इलाज के लिए व्यवस्था की है। यह भी हमको ध्यान रखना। हमारी महिलाएं बैठी है, हमारी बहनें बैठी है। आज से पहले लोगों ने मोदी जी के स्वच्छता अभियान की खिल्ली उड़ाई, मजाक किया, कहा कि लाल किले के प्राचीर से ये प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करता है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि आज हमारी बहनों 11 करोड़ 61 घर स्वच्छ शौचालय घर में बनाकर, जो बहनें खेतों में जाया करती थी, जो बच्चे खेतों में जाया करते थे, आज उत्तर प्रदेश में कोई भी खेतों में नहीं जाता है, सबको इज्जत घर घर में दिया गया है। 11 करोड़ इज्जत घर और अभी जयप्रकाश जी चिंता कर रहे थे और कह रहे थे कि गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन मिली कि ना मिली, राशन मिली कि ना मिली, पहुंची कि ना पहुंची। अब मोदी जी का राशन अलग से और योगी जी का राशन अलग से और तेल और चना अलग से पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये डबल इंजन, ये डबल इंजन, मोदी जी का अलग से राशन और योगी जी का अलग से, ये है डबल इंजन। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये गरीब, गांव, पीड़ित, शोषित, दलित समाज का अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, उसको अगर ताकत दी है तो मोदी जी ने और योगी जी ने दी है, ये याद रखना। और उसमें मदद पहुंचाई है तो जयप्रकाश की निषाद को मित्रों, विकास के दृष्टि से आप बताइए आप तो सड़कों का जाम पिछड़ा कि नहीं पिछड़ा? पक्की सड़कें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है?
कई गंगा एक्सप्रेस, कई पूर्वांचल एक्सप्रेस, कई गोरखपुर एक्सप्रेस, कई बुंदेलखंड एक्सप्रेस और एक नहीं 4 लेन 6 लेन। मैं सबको बोलता हूं यह सड़क नहीं है, ये विकास की गंगा है, याद रखना, इसी से विकास होने वाला है। ये भी हमको ध्यान रखना। अटल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई उत्तर प्रदेश में, आयुष यूनिवर्सिटी आ गई, दो दो ऑल इंडिया विश्व मेडिकल साइंसेज आ गए। अब यहाँ के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, अब आपका इलाज गोरखपुर में हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिए। और देवरिया में मेडिकल कॉलेज अप्रूव हो गया है, आने वाले समय में वहां मेडिकल कॉलेज बनेगा और आपका इलाज वहां मुक्त होगा। इसलिए बन गया, चलिए बन गया, हमने तो सोचा था कि अप्रूव ही हुआ, बन गया, तो बस अब आपने भी जयप्रकाश जी को बढ़ा देना है। इसकी मित्रों, इस साल के बजट में मोदी जी ने युवाओं के लिए 7 लाख नौकरियां एक साल में देना तय किया है। कितना? 7 लाख नौकरियां। और उसी तरीके से 25,000 किलोमीटर की सड़क एक साल में बनेगी और 20,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होगा, 3,80,00,000 मकान बनेंगे और उस पर 60,000 करोड़ रुपए यही 22-23 में खर्च होगा और लगभग 3,80,00,000 घरों में पानी पहुंचेगा और 1,56,000 करोड़ के घर बनेंगे जिसपे 48,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। आज हमसे कोई पूछता है कि 5 साल में क्या हुआ, मैं बोलता हूं 5 साल में उत्तर प्रदेश में 10 नए विश्वविद्यालय खुले, 78 कॉलेज खुले, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, आपके यहां 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज 69 मेडिकल कॉलेज है, सबसे ज्यादा प्रदेश में उत्तर प्रदेश है। 2 ऑल इंडिया विश्व मेडिकल साइंसेज खुला और आपकी जो आर्थिक जगत है वह 7वें नंबर पर खड़ा था, योगी जी ने माफिया राज को समाप्त करके उसको 2 नंबर पर पहुंचाया है। एक बार जयप्रकाश जी को भेजोगे तो वह पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाएगा, इसको भी हमको ध्यान रखना है। और हमने तय किया है कि अगली सरकार योगी जी की होगी उसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त बिजली। हमने तय किया है कि दिवाली और होली जैसा मैंने बताया मुफ्त में 2 सिलेंडर दिए जाएंगे और बहनों के लिए पढ़ने के लिए उनको स्कूटी और मोपेड दिया जाएगा और नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा ताकि वो पढ़ाई में आगे बढ़े। मित्रों आप बताओ योगी जी ने ये माफिया राज समाप्त किया कि नहीं किया, गुंडा राज समाप्त किया कि नहीं किया, ये देशद्रोहियों को जेल के अंदर डाला कि नहीं डाला? मित्रों हम लोगों ने तय किया है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, ये उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बनेगा। कहां बनेगा? एक बनेगा देवबंद में, एक बनेगा मेरठ में, एक बनेगा रामपुर में, एक बनेगा आजमगढ़ में, एक बनेगा कानपुर में, एक बनेगा बहराइच में। यानी देश के साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति कोई नहीं बचेगा, ये बात सबको ध्यान रखना है। एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर इन सब जगहों पर बनेगा, देवबंद से लेकर बैरक। और आप बताइए 5 साल पहले यही आजम खान दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? ये मुख्तार अंसारी दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? दंदनाता था कि नहीं? ये अतीक अहमद दंदनाता था कि नहीं?
पिछले पांच साल से ये तीनों जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा आखिर देखो इनका दोष और इनका क्राइम बराबर था। जब अखिलेश मुख्यमंत्री था तो ये दंडन आते थे, कानून वही था और कानून को तोड़ने वाला भी वही था और आंखों में पट्टी डाल करके अखिलेश भी मुख्यमंत्री वही था। और जब योगी मुख्यमंत्री बने तो ये तीनों जेल के अंदर गुल्ली डंडा खेलने लग गए। ये आप बताइए अखिलेश जी के जमाने में 200 दंगे हुए कि नहीं हुए? 200 दंगे हुए कि नहीं हुए? मुजफ्फरपुर नगर का दंगा हुआ कि नहीं हुआ? और पिछले पांच साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, पिछले पांच साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, पिछले पांच साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। आप बताइए मुजफ्फरनगर में 93 लोगों की जाने गई थी कि नहीं गई थी? आप बताइए 5000 परिवार पलायन किए थे कि नहीं किए थे? कैराना में 60 परिवार पलायन कर गए थे कि नहीं कर गए थे? अब ये सब अखिलेश के जमाने में पलायन कर गए और योगी जी के जमाने में वापस आकर के फिर से बस गए। ये है अंतर। फर्क साफ है, फर्क साफ है। सोच ईमानदार है, नेता दमदार है और नेता असरदार है। इसीलिए मित्रों जब मैं आपसे इन सारी चीजों की चर्चा करता हूं तो मैं आपके सामने और मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि मेरी बात को नोट कर लेना और जब अखिलेश जी आएंगे तो उनसे पूछना। आजकल टीवी में चला हुआ है आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है। बोलो आतंकवाद मुद्दा है कि नहीं है? आतंकवाद मुद्दा है कि नहीं है? मैं आपके सामने कुछ विषयों को रखना चाहता हूं। पहला मैं मीडिया के साथी को चाहूंगा कि नोट कर लें, 23 नवंबर 2007 अयोध्या की कचहरी में, लखनऊ की कचहरी में और वाराणसी के कचहरी में एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। 15 लोग मारे गए थे, 95 लोग घायल हुए। इसका जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी और इंडियन मुजाहिदीन ने कहा था कि हमने दशाश्वमेध घाट पर भी बमबारी की थी, हमने श्रमजीवी ट्रेन में भी बॉम्ब ब्लास्ट किया था, हमने नई दिल्ली के सरोजनी नगर गोविंदपुरी और पहाड़गंज में भी बॉम्ब ब्लास्ट किया था, हमने वाराणसी के संकट मोचन में भी बॉम्ब ब्लास्ट किया था और हमने मुंबई के लोकल ट्रेन में भी बॉम्ब ब्लास्ट किया। कुल मिलाकर के सारे बॉम्ब ब्लास्ट में लगभग 500 लोग मारे गए थे और 2000 लोग घायल हुए। इसमें पकड़े दो लोग गए, एक का नाम था हाकिम तारिक कासमी और दूसरे का नाम था खालिद मुजाहिद। एक आजमगढ़ का रहने वाला था और एक जौनपुर का रहने वाला था। और आपको जानकर के शर्म आएगी, दुख होगा कि अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री 2012 में इन दोनों के खिलाफ 15 मुकदमे, ये जो मैंने घटनाएं बॉम्ब ब्लास्ट बताई है इन सब में तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद दोनों उसमें इन्वॉल्व थे। और अखिलेश जी ने 26 अप्रैल 2012 को ये सारे मुकदमे वापस लिए और उन टेररिस्टों को छोड़ दिया। ऐसे लोगों को आप मुख्यमंत्री चाहते हो क्या? ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के भला करेंगे क्या? और इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने क्या कहा? मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूं और मैं चाहूंगा मीडिया वालों को कि आप तो मेरे आगे माइक रख देते हो और पूछने लगते हो, जरा अखिलेश जी आए तो माइक रख करके पूछना कि जेपी नड्डा ने यह प्रश्न किया है, तारीख नोट कर लो, 26 अप्रैल 2012 को तुमने ये मुकदमे वापस लिए,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह मुकदमा वापस नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत के कानून के तहत ये मुकदमे चले हैं, आतंकवादी घटनाएं हैं, इस पर मुकदमा चलेगा। जेल में खालिद मुजाहिद की डेथ हो गई और तारिक कासमी को 4 जिंदगियों तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 4 जिंदगियों तक। ऐसे लोगों को अखिलेश जी ने छोड़ा है, ये बतौर उनका मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड। मैं दूसरी घटना बताता हूं, तारीख नोट कर ले मीडिया वाले, 31 दिसंबर 2007 की रात और 1 जनवरी 2008 की सुबह, रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर गोलियां चलाई गई, AK-56 से आतंकवादियों ने हमला किया, 7 पुलिस वाले मारे गए, सीआरपीएफ के जवान 7, और 7 जवान मैंने 7 माताएं विधवा हुई, खूब सुनी हुई, 7 बहनें विधवा हुई, 7 परिवार जो थे वो सारे के सारे 7 परिवार जो थे वो अनाथ हो गए। आज हमने यहां श्रद्धांजलि दी है संतोष यादव जी को, ये शहीद भारत की रक्षा करते करते जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकवादी द्वारा मारा गया। आप बताइए इन लोगों के साथ जवाब, इसका जवाब देना है कि नहीं देना है? इसका जवाब देने की बारी आई तो फिर 26 अप्रैल 2012 को अखिलेश जी ने 2 आतंकवादी थे, एक का नाम था शहाबुद्दीन जो लश्करे तौयबा का कमांडर इन चीफ था, बिहार का रहने वाला था, उसको भी इन्होंने माफी दे दी और कहा सामाजिक सौहार्द के लिए मैं इसको माफी देता हूं। आप बताइए जो लोग ने आतंकवादियों को शहाबुद्दीन को माफी दी उनको आप माफ करेंगे क्या? आप माफ करेंगे क्या? उनको माफ नहीं करना है और उसका रास्ता है जयप्रकाश निषाद, 3 तारीख को याद रखें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर कहा कि केस चलेगा, मुकदमा वापस नहीं हो सकता। 4 लोगों को सजाए मौत हुई, 4 लोगों को, और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ जिनको अखिलेश जी ने छोड़ दिया था। क्या ऐसे अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश संभाल सकते हो क्या? ये रक्षक है कि भक्षक है? ये रक्षा करेगा कि भक्षक करेगा? ये संविधान की शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। सही में क्या करते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा। ये आतंकवादियों की रक्षा करेंगे। अभी 3 दिन पहले 38 लोगों को अहमदाबाद के बॉम्ब ब्लास्ट में सजाए मौत हुई है, और उसमें 38 लोगों को, और उसमें एक व्यक्ति है मोहम्मद सैफ, और ये जो मोहम्मद सैफ है इसके पूज्य जो उनके वो है पिताश्री जिनका नाम है शादाब अहमद बिस्टर, यह समाजवादी पार्टी के एक्टिविस्ट हैं और अखिलेश जी के साथ गले से गला मिलकर के काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पना देना है क्या? ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है क्या? अभी पिछले साल 2 लोग पकड़े गए थे, वो लखनऊ में टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे थे 11 जुलाई को, मिनास अहमद और मसलुद्दीन, ये 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में यह बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे थे। यूपी के एसडीएम ने पकड़ लिया, अखिलेश जी ने कहा मैं इन पर विश्वास नहीं करता। ऐसे लोगों को लाना है क्या? अभी 4 दिन पहले सुना कि सुना पुलिस वालों को अखिलेश कर रहा था, ए पुलिस सुना कि सुना, ए पुलिस, ये पुलिस का मनोबल तोड़ रहे हैं और गुंडों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, 3 तारीख को इनका मनोबल तोड़ देना और उत्तर प्रदेश का मनोबल बढ़ाना। इसलिए मित्रों मैं आपको यही बताने आया हूं, बहनों से अपील करने आया हूं कि अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, आप अपनी बहू बेटियों की रक्षा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बेधड़क दिन हो रात हो घूम सके, तो
तो जरूरी है कि योगी जी को लाना जरूरी है और योगी जी के साथ साथ जयप्रकाश निषाद को भेजना जरूरी है। ये मुद्दे हैं जिस पर हमको चुनाव लड़ रहे हैं। अभी प्रियंका जी ने कहा कि आतंकवाद फिजूल की बातें कर रहे, फिजूल की बात। देखो मैं वैसे कांग्रेस का यहां कोई लेना देना नहीं है, मैं कांग्रेस की चर्चा करूं कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं आपको इनके नेताओं के हाल बताता हूं। इनका मुख्यमंत्री चन्नी पंजाब में क्या भाषण देता है पंजाबी में बताऊंगा, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। पंजाबी में बोलता है ए यूपी दे पहिए, ए बिहार दे भइए, ए दिल्ली वाले इन्हें बड़न नहीं देना। इसका मतलब हुआ ए यूपी के भइए और बिहार के भइए इनको पंजाब में घुसने मत देना। और प्रियंका जी ताली बजाती है, ताली, यहां उत्तर प्रदेश में बोलती मैं आपकी बेटी हूं, ये इनका सोच है, ये इनकी तरीका है। ऐसे नेता चलाएंगे क्या आतंकवादी को बोलेंगे फिजूल की बातें? आपके पूज्य पिताजी देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी आतंकवादियों के द्वारा ही उनके जीवन लीला समाप्त हुई। आप आतंकवादी की बात को फिजूल बोलते, भारत की सुरक्षा पर खड़े हुए प्रश्नों पर आप उंगली उठाते हो। क्या ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का और उनको समर्थन देने का काम है क्या? आप देंगे ऐसे लोगों को समर्थन? आप आतंकवादियों के रक्षकों को समर्थन देंगे? आप संविधान के भक्षकों को समर्थन देंगे क्या? मित्रों आपसे मैं यही निवेदन करने आया हूं, एक ही रास्ता है, वह है कमल का फूल। एक ही रास्ता है विकास उत्तर प्रदेश का, एक ही रास्ता है प्रदेश को आगे बढ़ाने का, योगी जी को आगे लाना। एक ही रास्ता है कि जयप्रकाश के माध्यम से मोदी जी के हाथ मजबूत करो, योगी जी को ताकत दो, देवरिया का बदलाव देखो, रुद्रपुर को आगे बढ़ते देखो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, जय देवरिया।